आज हम आपको डेटा टाइप और उसके स्टोरेज टाइप को प्रैक्टिकली बताने वाले हैं, जिसमें ऑटोमेटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल और एक्सटर्न वेरिएबल आता है। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक वेरिएबल हम पढ़ाने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो बाय डिफॉल्ट आपका डिक्लेयर हो, इनिशलाइज हो जाता है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया मेन इंट argv c एंड करेक्टर argv v। ये बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है जिसमें argv c जो है न्यूमेरिक वेरिएबल लेता है और argv v जो होता है वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल देता है, जिसका डिटेल हम किसी और दिन अलग से पढ़ा देंगे। अब आपका आया इंट ए बी। ए बी जो है ऑटोमेटिक वेरिएबल हो गया जो डिफॉल्ट जीरो डिफाइन कर देगा। डबल डी लिया, प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ परसेंट डी आरगिव सी। तो ये आपका आरगिव सी की कितना वैल्यू आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। फिर ए इक्वल्स टू 10 कर दिया हमने, बी इक्वल्स टू 5 कर दिया और डी इक्वल टू डबल है जिसमें ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होके आ रहा है। प्रिंट एफ करेंगे परसेंट डी परसेंट एफ, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा और गेट सी एच करने से स्क्रीन हॉल्ट होगा, रिटर्न जीरो करने से मेन टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको रन करके हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई। एक वेरिएबल आया पहले वाले के लिए, 10 आया, 5 आया और 30 आया। तो कैसे आया देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको बैक स्लैश एन कर दीजिए जिससे समझ में आए कि किसकी वैल्यू है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए आर जी सी इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर आपका ए बी और डी आ रहेगा। तो वो तो आ ही रहा है प्रॉपर, तो इसको अब फिर से रन करते हैं। पहले सेव करेंगे फिर रन करेंगे। तो देखिए आरगिव सी इसने बाय डिफॉल्ट 1 ले लिया, एक प्रिंट ही प्रिंट होगा। देखिए आरगिव सी इक्वल्स टू 1 लिया, फिर 10 और 5 लिया जो ए और बी की वैल्यू, और डी की वैल्यू उसने 30 ले लिया। तो 30 क्यों लिया है, डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस ए बाई 2 5 हो जाएगा, 25 प्लस 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू ऑटोमेटिक वैल्यू डिफाइंड हो गई जिसमें बाय डिफॉल्ट ए भी आपका 0 हो जाएगा और डी भी 0 हो जाएगा, और जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑटोमेटिक वेरिएबल के बाद आया आपका रजिस्टर वेरिएबल ले लेते हैं। रजिस्टर वेरिएबल जो होता है वो एड्रेस पे काम करता है, जैसा कि हमने आपको समझाया था। तो जब रजिस्टर वेरिएबल हम लेते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे रजिस्टर इंट काउंटर। ज़्यादातर ये लूप के साथ यूज होता है, हमने आपको बताया था थ्योरी में। फॉर काउंटर इक्वल्स टू 0, काउंटर लेस देन इक्वल टू 9, काउंटर प्लस प्लस। तो 0 टू 9 वैल्यू वो प्रिंट करेगा। अब इसको लूप में चला के देखिए और प्रिंट करिए तो आपको पता लग जाएगा कि रजिस्टर वेरिएबल लेने से इसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल आपके खुलते मन आपकी वैल्यू तुरंत दिख जाएगी। रजिस्टर वेरिएबल के बाद आया आपका स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार डिफाइन होता है। हमने आपको बताया था स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार डिफाइन होता है और उसके बाद उसकी वैल्यू कंसिस्टेंट तब तक रहती है जब तक कि आप फंक्शन में से निकल नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कॉल स्टैटिक फंक्शन बनाया है और आई जे दो वैल्यू ली है। जे की वैल्यू 0 डिफाइन किया फर्स्ट टाइम, सी एल आर एस सी आर किया है जे कॉल स्टैटिक। फर्स्ट टाइम जब जे कॉल होगा तो यहाँ स्टैटिक इंट आई 1 लिया है, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू फंक्शन के अंदर 1 हो जाएगी। इंट जे करेंगे, जे अंदर भी डिफाइन करेंगे, जे इक्वल्स टू आई कर देंगे तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर। और जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे में 1 आ जाएगा। अब आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, रिटर्न जे करेगा। तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। फिर दूसरी बार उसने कॉल स्टैटिक किया,
अब इस बार डिफरेंस क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से वन इनिशियलाइज नहीं होगी क्योंकि वो स्टैटिक है और आई प्लस प्लस हो चुका है, तो आई की वैल्यू टू हो जाएगी और जे में टू चला जाएगा, रिटर्न जे करेगा। फिर थर्ड टाइम जब आएगा तो रिटर्न थ्री करेगा। तो इस स्टैटिक डिफाइन कर देने से क्या होगा, वैल्यू फर्स्ट टाइम बस इनिशियलाइज होगी और टाइम वो नहीं इनिशियलाइज होगी, वो केवल प्रोसेस होगी। तो इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए आपकी वैल्यू वन टू और थ्री प्रिंट होगी, ना कि वन हर बार प्रिंट होगी। अब अगर आप स्टैटिक यहाँ से हटा देते हैं तब देखिए क्या होता है। देखिए जब स्टैटिक आप हटा देंगे तो इसकी वैल्यू तीनों बार वन प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि जितनी बार वो लूप के अंदर घुसेगा उसमें क्या करेगा, वैल्यू को फिर से आई में इनिशियलाइज कर देगा। लेकिन जब हम स्टैटिक ले लेंगे तो उसमें आई की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी। तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल का वहाँ यूज कर लेंगे जहाँ पे हमें काउंटर की जरूरत है और फॉर का लूप हम नहीं डिफाइन करना चाह रहे हैं और हर फंक्शन में उसकी वैल्यू डिफरेंट लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आया आपका एक्सटर्न वेरिएबल। एक्सटर्न वेरिएबल जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल जैसा काम करता है। जब हमने बाहर जीवी को डिफाइन कर दिया तो मेन फंक्शन में void फंक्शन वन कॉल डिफाइन किया, डिक्लेयर किया और जीवी की वैल्यू 10 रख दी। clr str का वैल्यू ऑफ जीवी बिफोर फंक्शन कॉल इज आपका 10 आ जाएगा। फंक्शन वन जब हम कॉल करेंगे तो फंक्शन वन में देखिए जीवी की वैल्यू 15 हो गई है, तो जब हम ये लेंगे तो जीवी की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो कैसे होगी ये देखते हैं। देखिए पहले वैल्यू उसने 10 ली क्योंकि पहले इनिशियलाइज 10 था, लेकिन जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ पे जीवी की वैल्यू चेंज हो जाती है और जीवी 15 हो जाता है। जब हम रिटर्न होते हैं तो वो जीबी की वैल्यू 15 कर देता है। क्यों कर देता है, आप वैसे तो हमने कहा कि जो वैल्यू फंक्शन में डिफाइन होती है वो फंक्शन में जैसे ही निकलते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमने मेन के पहले जीबी को डिफाइन रखा है तो एज अ ग्लोबल वेरिएबल काम कर रहा है। तो जब हम फंक्शन के अंदर जीबी को 15 इनिशलाइज करेंगे तो वो जीबी की वैल्यू 10 की जगह 15 प्रिंट कर देगा। सो दिस इज ऑल एक्सटर्न वेरिएबल। हम प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे जब तो उसमें भी सिखा देंगे कि दो फाइल में जब सेम वेरिएबल होता है तो उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं। उसके लिए हमें प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए और उसके अंदर फंक्शन को वेरिएबल को कॉल करना आना चाहिए। तो उसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो बनाकर एक्सटर्न वेरिएबल को समझा देंगे। तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन एंड गो टू माय कम्युनिटी टू कमेंट ऑन माय वीडियो एंड आस्क द क्वेश्चन इफ एनी क्यूरी स्टिल देयर आफ्टर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसको प्लीज़ आप फिर से पूछ लीजिए कम्युनिटी पे क्वेश्चन करके कमेंट में, या वीडियो में ही कमेंट करके आप पूछ लीजिए। सो थैंक यू व्यूअर्स।